एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज टेंसेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न थ्री मेन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, टेंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेंसेस। टेंसेस किसे कहा जाता है? जब हम वर्ब की फॉर्म्स का यूज करते हैं किसी एक्शन को, एक्शन के टाइम को बताने के लिए। एक्शन का टाइम मीन्स कि कोई एक्शन कब हुआ है या कब होगा। कोई एक्शन प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, ये शो करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का। अब वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं टेंसेस को, ये कहलाते हैं टेंसेस। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में टाइम को शो करने के लिए। टाइम किसका? एक्शन का टाइम, कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में कोई एक्शन हुआ या होगा, ये शो करने के लिए जब वर्ब की फॉर्म्स का यूज किया जाता है, ये कहलाता है टेंस। क्या कहलाता है? टेंस। नाउ देयर आर थ्री मेन टेंसेस। टेंसेस मेन कितने होते हैं? थ्री टेंसेस होते हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड ईच टेंस हैज फोर डिफरेंट फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, मेन टेंसेस होते हैं थ्री, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक टेंस की फोर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह से टोटल टेंसेस हमारे होते हैं 12। कितने टेंसेस होते हैं हमारे? 12 टेंसेस। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल, सेकंड पास्ट सिंपल, थर्ड इज फ्यूचर सिंपल। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल की फोर फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम एज पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की भी फोर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एंड फ्यूचर टेंस के सेम फॉर्म्स हैं, मीन्स जो इसके फॉर्म्स हैं तीनों मेन टेंसेस की, इनके नेम सेम हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, थ्री मेन टेंस हैं। इन तीनों टेंसेस की फोर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनके नेम सेम हैं, नेम सिमिलर हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न ओनली 5 फर्स्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द 4th क्लास सिलेबस। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम ओनली फर्स्ट 5 टेंसेस ही इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ लेट्स सी द सेंटेंसेस। वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, फर्स्ट ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकेंड, वी रेस्पेक्टेड आवर टीचर्स, पास्ट सिंपल। वी विल रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, फ्यूचर सिंपल। यहाँ वर्ब को हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ब्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं टेंस कौन सा यूज किया गया है। ये टेंस फर्स्ट सेंटेंस में टेंस है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ प्लस ES और S ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेट्स सी द रूल्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस, फॉर प्रेजेंट सिंपल वी यूज वर्ब 1। वर्ब 1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स वन पर्सन है, हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करने के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? एस ई एस ऐड करते हैं, लाइक गोज। एंड सब्जेक्ट अगर मैनी है, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हम एस या ई एस कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज की जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेट्स सी द एग्जांपल्स। दे गो टू स्कूल डेली। इस एग्जांपल में
सब्जेक्ट दे है, दे मीन्स मैनी पर्सन। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यूज करना है गो का, और इसमें गो के साथ कुछ भी एस आई एस ऐड नहीं किया गया। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, ही गोज, ही वन पर्सन है, तो वन पर्सन के साथ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ई एस ऐड किया गया है, गोज टू स्कूल डेली। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में मीन्स मैनी पर्सन के साथ हम कुछ भी ऐड नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज होती है। क्लियर टॉपिक? नाउ सेकेंड इज पास्ट सिंपल टेंस, वो यूज वर्ब टू बोथ फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स वन पर्सन है या मैनी पर्सन है, बोथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर, ही वेंट टू स्कूल डेली, दे वेंट टू स्कूल डेली। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, एंड दोनों ही एंड दे दोनों सब्जेक्ट के साथ ही वेंट का यूज किया गया है, ही वन पर्सन और दे मैनी पर्सन। जो कि स्टूडेंट्स बोथ सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं फॉर पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर? नाउ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है विल या शैल के साथ, बट इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज कॉमनली यूज फॉर बोथ पर्सन, बोथ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट के साथ मोस्टली विल का यूज किया जाता है। शैल का यूज मेनली किया जाता है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या सजेशन देने के लिए या कोई ऑफर देते हुए। एग्जाम्पल्स, ही विल गो टू स्कूल डेली, दे विल गो टू स्कूल डेली। यहाँ स्टूडेंट्स विल का यूज किया गया है वन पर्सन एंड मैनी पर्सन दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या यूज किया गया है विल का, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है गो। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको तीनों टेंसेस के रूल समझ आ गए हैं, एक बार इसके रूल्स को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, द सन साइंस इन द स्काई। हमने साइंस का यूज क्यों किया, साइन यूज नहीं किया, क्योंकि द सन सिंगल है, वन सब्जेक्ट हम कहते हैं, तो साइंस मीन्स शाइन, मेन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एड है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करते हैं। क्लियर? द स्टार्स, एक से अधिक स्टार्स हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे शाइन। वी मैनी पर्सन, गो इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते। ही वन पर्सन, गोज। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज के साथ ही। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टेल द टेंस ऑफ द वर्ब इन ईच सेंटेंस। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और कैसे करेंगे इसकी वर्ब को आइडेंटिफाई करते हुए आप टेंस के नाम बता सकते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट इज मदर कुक्स फूड फॉर अस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब, कुक्स, कुक्ड, विल कुक। फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस सेम है, मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर कुक्ड फूड फॉर अस, मदर विल कुक फूड फॉर अस, सेम सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट सिंपल, थर्ड फ्यूचर सिंपल। जो कि सेकंड सेंटेंस आपको याद होगा कुक की सेकंड फॉर्म में कुक्ड, जो कि पास्ट सिंपल टेंस है, कुक्स कुक के साथ एस ऐड किया गया है, सिंपल प्रेजेंट है, एंड विल कुक, विल का हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ, विल फ्यूचर सिंपल टेंस। नाउ नेक्स्ट थ्री सेंटेंस सेम है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। यहाँ वर्ब्स है वाटर्स, वाटर एंड विल वाटर, अगेन सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, री राइट ई सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू। तो स्टूडेंट्स आपको हिंट दिया गया है
सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है जो आपको करना है. इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्ड इन जुलाई. रेन्स मेन वर्ब क्या है, रेन है, और रेन के साथ हम ऐड करेंगे रेन की सेकंड फॉर्म. रेन की सेकंड फॉर्म क्या है, रेन्ड. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू. फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स. पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए मेन वर्ब को. गिव्स वेस्ट हेल्प. अब इसकी सेकंड फॉर्म आपकी क्या होगी, ये आपको लर्न करना होगा अबव की फॉर्म्स को, जब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं. गिव्स की सेकंड फॉर्म गेव. गिव गेव. द काओ गेव मिल्क. सी वेस्टेड हर टाइम. माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी. प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड. बॉयज प्लेड इन द पार्क. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. री राइट इस सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस जिसमें आपको यूज करना है विल. बर्ड्स फ्लाई टू देयर नेस्ट. बर्ड्स विल फ्लाई टू देयर नेस्ट. स्टूडेंट्स यहाँ आपको विल का यूज करना है. इससे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंसेस में मेन वर्ब, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेन वर्ब यहाँ क्या यूज किया गया है. उसके हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ऐसा ई एस अगर ऐड है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, और विल का हमें यूज़ करना है. और विल का यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले. विल फ्लाई, गेट्स, गो, फिनिश, लिव्स, लुक्स. नाउ गेट्स मेन वर्ब होगा गेट. विल गेट लेट फॉर स्कूल. गो विल गो होम फॉर लंच. विल का हम यूज कहाँ करेंगे, मेन वर्ब के साथ उससे पहले. आई विल फिनिश. सी विल लिव. द नर्स विल लुक. लुक्स नहीं आएगा, लुक आएगा. क्लियर. नाउ पेज नंबर 43 के आंसर स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था टेंस. कुक्स फूड फ्रेंड सिंपल टेंस. कुक्ड पास्ट सिंपल टेंस. जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया प्रेजेंट सिंपल टेंस, वाटर्ड पास्ट सिंपल, विल वाटर फ्यूचर सिंपल टेंस. क्लियर टॉपिक. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें आपको सेंटेंसेस को चेंज करना था इंटू सिंपल पास्ट टेंस, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस आपको लिखने थे. आंसर सेज रेन्ड, इट रेन्ड इन जुलाई. फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स. द काउ गेव. गिव्स का हमने यूज किया था गेव. वेस्टेड हेल्प्ड एंड प्लेड. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. रीराइट इस सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस जिसमें आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. बर्ड्स विल फ्लाई. ही विल गेट लेट फॉर स्कूल. दे विल गो होम. आई विल फिनिश माई वर्क इन टाइम. She will live with her mother. The nurse will look after the child. Now, next tense is present continuous and past continuous. Students, इससे पहले अभी हमने three tenses को समझा था. तीनों main tenses की first form क्या थी, simple. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल. अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, कॉन्टीन्यूअस मीन्स कोई भी एक्शन जो कि कॉन्टिन्यू हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, ये कहलाता है कॉन्टीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वी यूज एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी एड करते हुए यूज करते हैं एज एम आर का फॉर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में एक थोड़ा सा चेंज है, केवल वाज वर्ब आपको यूज करना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, बाकी सेम रहेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आप सेम ही यूज करने जा रहे हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल. आई वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल. इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल और इजी है. फर्स्ट सेंटेंस में एंड सेकंड सेंटेंस में क्या चेंज है, आई एम और वाज का. जब हमने आई एम गेटिंग यूज किया तो ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस.
आई वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, क्लियर। नाउ सी इज डूइंग हर होमवर्क, सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। इज डूइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, वॉज डूइंग पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसका मीनिंग समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। आई वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। नाउ नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज पार्क में खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। बॉयज पार्क में खेल रहे थे मीन्स एक्शन पास्ट में शुरू हो गया और पास्ट में कॉन्टिन्यू चल रहा है। बॉयज पार्क में खेल रहे थे तो ये क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ स्टूडेंट्स अपने डाउट्स आपके जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज री राइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको यहाँ सेंटेंसेस को चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले हम सिंपल इसकी वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके रूल को हम फॉलो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। क्या रूल्स थे इसमें हमें यूज़ करना है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी मीन्स आई एन जी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे और इज एम आर का यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, क्लियर। बर्ड्स सिंग इन द ट्रीज, आपको यूज करना है बर्ड्स के साथ आर का, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। नंबर 2, द पियोन वन पर्सन है, द पियोन इज रिंगिंग, इसका एस रिमूव हो जाएगा, रिंगिंग द बेल। द सन वन है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। फार्मर्स मैनी हैं, फार्मर्स आर प्लोइंग देयर फील्ड्स। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, री राइट ईच सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है सेंटेंसेस को और आपको हेल्प गिवन है ब्रैकेट्स में। सी टोल्ड द ट्रुथ, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेल, टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है टेल, क्योंकि आप यूज करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाज वर, इसका रूल है वाज वर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और साथ में आई एन जी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करते हुए हम यूज करेंगे, राइट। तो क्या आप टोल्ड के साथ टोल्डिंग यूज करने जा रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है टेल, इसमें ऐड करेंगे आई एन जी टेलिंग। सी वाज टेलिंग द ट्रुथ, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, ही वेंटिंग आएगा, नो गो आएगा बच्चों, गोइंग, ही वाज गोइंग टू द डॉक्टर, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करते हैं ना कि सेकेंड फॉर्म के साथ, क्लियर। बर्ड्स फ्लू, आप लिखेंगे बर्ड्स बर्ड्स वर, पास्ट है ना, तो वर, बर्ड्स वर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट। सी रोट, राइट के साथ आई एन जी ऐड होगा, राइटिंग, सी वाज राइटिंग, सी क्या है वन पर्सन, वाज का यूज होगा, सी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। नाउ स्टूडेंट्स चेक योर आंसर्स, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को लिखना था। वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, द पियोन इज रिंगिंग द बेल, आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रीराइट ई सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी हमने डिस्कस किया, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें हम वाज वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, वन पर्सन के साथ यूज किया जाता है वाज का, एंड मोर देन वन मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे। सी वाज टेलिंग द ट्रुथ, वह सच बोल रही थी। इट वाज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने इस चैप्टर में क्या लर्न किया है, रिवाइज करते हैं।
देर आर मेन थ्री टेंसेस, राइट। टेंसेस कितने होते हैं? मेन होते हैं थ्री, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड प्रेजेंट टेंस की फोर फॉर्म्स होती हैं, सेम पास्ट टेंस की एंड सेम ही फ्यूचर टेंस की फोर फॉर्म्स होती हैं। और आपके सिलेबस में फर्स्ट फाइव टेंसेस हमने अभी रिवाइज किए हैं, लर्न किया है इसको, इसको आप रिवाइज कीजिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा टेंसेस में हम यूज करते हैं वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का, वो यूज थ्री फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब टेल्स अबाउट नेचर ऑफ द टेंस, जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं वो हमें टेंस के नेचर के बारे में बताती है, मीन्स टेंस कौन सा यूज किया गया है। टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो मेन वर्ब से हमें पता लगता है कि टेंस सेंटेंस में कौन सा है। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वर्ब की फॉर्म्स लर्न करनी है, ये एग्जाम्पल है वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, थ्री वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करनी है, राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर टॉपिक इज कंप्लीटेड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइज द टॉपिक।